हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। व्हाट्सअप वेल, चले आज हम लोग पोटेंशियल से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। अगले चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल का जो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ते हैं वो वर्क से रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। वर्क से रिलेट का मतलब ये होता है कि किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से लाकर किसी पॉइंट तक अगर लाने में या फिर एक सिस्टम बनाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को ला करके उसका एक सिस्टम बनाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। है बात समझ में? तो चले इसका लास्ट में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इसको आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो रेडी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, टू पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट्स का नाम ए और क्या कर देते हैं हम बी। हमने कंसीडर किया कि दो पॉइंट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड आर, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेपरेटेड है कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, ठीक है। और इस पर जो चार्ज है तो सपोज करते हैं कि Q1 है और यहाँ पर जो चार्ज है Q2 है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर कि इनके कारण हम क्या करेंगे। ये तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। स्टेटमेंट आप राइट कर लेंगे, क्या राइट करेंगे कि कंसीडर टू पॉइंट्स चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है ना, सेपरेटेड आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे से क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पर क्या है, सेपरेटेड है, ठीक है। हमें क्या करना है, तो वी गेट, हमें करना क्या है, हम चाहते क्या है, वी वॉन्ट फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। इसके लिए हमें एक काम करना होगा कि जो ये चार्ज रखे हुए हैं, इस चार्ज को हम इनफाइनाइट पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, समझना इसको। देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि मान लो ये दोनों चार्ज अभी बिल्कुल है ही नहीं, ये मान लेते हैं कि ये किसी दूसरे पॉइंट पर, यहां पर कोई पॉइंट है जिसे इनफाइनाइट, और यहां पर Q1 और Q2 दोनों रखे हुए हैं, यहां पर भी कोई पॉइंट नहीं है। हम सेपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये कंसीडर करेंगे कि ये इनफाइनाइट पर है। ये हम क्या करेंगे, लेट्स, हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि Q1 Q2 कहीं अनंत पर है, ठीक है, इनफाइनाइट पर है। गुड आफ्टरनून प्रांजलि, काजल, प्रियंका एंड एवरीवन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंसीडर कर लिए कि इनफाइनाइट है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और आपको पता है कि जो वर्क होता है कि वर्क ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यानी अगर हमें कार्य मिल जाए, वर्क डन मिल जाए, तो वर्क डन ही हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो हमें वर्क कैसे करना है, तो वर्क करने के लिए हमने क्या किया कि टू चार्जेस लिया जो आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, और इसी के कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। अब हम ये चाहते हैं कि ये दोनों चार्ज भी बिल्कुल नहीं है, ना तो ये है ना यहाँ पर है, कि यहाँ पर दोनों इनफाइनाइट पर रखेंगे। अब चूंकि हमें पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की डिफिनेशन ये होती है कि किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, इसीलिए हम इन्हीं दोनों को कंसिडर किए कि है ही नहीं। तो सपोज करो कि Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन कितना होगा, W1, ठीक है। इसी तरह से Q2 चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, W2 होगा। तो यहां पर क्या मिलेगा हमें, तो यहां पर क्या करेंगे, नाउ टोटल वर्क डन कितना होगा, यहां पर टोटल वर्क डन ये राइट कर लेंगे ना, ध्यान से देखना है कि अभी सपोज करते हैं ये इनफाइनाइट पर है, क्योंकि अंडर स्कूड जब तक नहीं करोगे तब तक ये चीजें क्लियर ही नहीं होंगी। पहले समझना है कि दोनों इनफाइनाइट पर थे, इनफाइनाइट से हमने क्या किया, ए पॉइंट तक लाया, ए पॉइंट तक लाने में हमारा वर्क डन कितना होगा, W1। फिर बी को भी हम लाने में वर्क डन कितना होता है, W2।
तो हम क्या करते हैं, नाउ टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना W इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, W1 प्लस कितना होगा W2, इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे फर्स्ट, राइट। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं सेकेंड पोजिशन में, अब सपोज करते हैं कि हम केवल Q1 बस को लाते हैं, ठीक है। अब हम Q1 को कहां लाते हैं, यहां पर बी पॉइंट तक लाते हैं या कहीं पर भी लाएंगे इसी इन दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म है, छोटे हैं, यहां जरूर डिस्टेंस दिख रहा है लेकिन हमें छोटा सा यहां पर पढ़ना है। अब देखोगे कि अगर हम चार्ज Q1 को हम क्या करेंगे, बी पॉइंट तक लाएंगे, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई पहले से चार्ज है नहीं, और जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एफ द क्यू वन चार्ज मूव मूव, ठीक है ना, टर्म कहां से, इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, देन वर्क डन कितना होगा, W1 इक्वल टू कितना होगा, सॉरी जीरो। देखो तो Q1 चार्ज को हमने एक पॉइंट तक लाया, तो उस कंडीशन में जो हमने वर्क डन किया वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहां पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था, केवल A पॉइंट और B पॉइंट था। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। सिमिलरली फिर से वही प्रोसेस करते हैं, हम क्या करेंगे, अब हम इनफाइनाइट से Q2 को लाएंगे B पॉइंट तक, लेकिन अब लाएंगे तो अब पहले से Q आ चुका है, अब जब हम Q2 को लाएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों चार्ज हैं, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करेंगे, अगेंस्ट कोई वर्क डन करते हैं तो हमें पोटेंशियल मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखें, तो अगर हम क्या करते हैं, इफ Q2 चार्ज ब्रिंगिंग टू अ पॉइंट, ब्रिंगिंग ऑन अ पॉइंट बी, यदि हम Q2 को क्या करते हैं, बी पॉइंट पर लाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सिमिलरली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, ड्यू टू पॉइंट बी। अब देखेंगे तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना फाइन होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर देखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना मिलता है। चार्ज हम कौन सा ला रहे हैं, Q2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा Q1, क्योंकि हमें Q1 के अगेंस्ट लाना है, ये तो मान लेते हैं टेस्ट चार्ज है, तो हम Q इसके अगेंस्ट काम करना है Q1 के कारण, तो यहां पर Q अपॉन कितना हो जाएगा, यहां पर R, R वैल्यू देख लेते हैं, अगर हम R के फॉर्म में कर रहे हैं तो R12 लिख लेते हैं, 1 और 2 दोनों हैं, तो यहां पर R12 राइट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, समझ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। अब देखेंगे सर, हमें यहां पर क्या हुआ, पोटेंशियल मिला, तो अब हमें वर्क डन चाहिए, तो Q2 को B तक लाने में जो वर्क डन होगा, तो नीचे से लिखेंगे hence वर्क डन, hence वर्क डन। अब देखेंगे वर्क डन क्या होगा, तो आपको पहले से बताया है कि वर्क डन यानी पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है, वर्क अपॉन कितना होता है, टेस्ट चार्ज होता है। हमें यहां पर वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन कितना होगा, v इनटू कितना होगा, q हो जाएगा, सॉरी w, w इनटू कितना होगा, v इनटू q। तो यहां पर हेंस वर्क डन, वर्क डन किसके लिए चाहिए, q2 को v पॉइंट तक लाने में, उसके अगेंस्ट लाने में, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहां पर W2 इक्वल्स टू, यहां पर देखेंगे यहां का वर्क डन जीरो था, लेकिन यहां जीरो नहीं हो रहा है, तो वर्क डन हमें यहां पर फाइंड हो रहा है, तो वर्क डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर देखें पोटेंशियल इनटू चार्ज, यहां पर क्या लिखेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल इनटू कितना हो जाएगा, चार्ज किसको ला रहे हैं हम, Q2, तो यहां पर कितना ले राइट करेंगे, Q2, करेक्ट। चल अब ऊपर का इरेज कर रहे हैं हम, और इसके बाद फिर तो देखेंगे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहां पर, Q2, तो ये आ जाएगा कितना, Q W2 इक्वल टू पोटेंशियल कितना मिला हमें यहां पर, ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
कितना मिला q1 अपॉन r12, r12 का मतलब होगा 1 और 2 जो है दोनों का मैग्नीट्यूड। वैसे भी पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैग्नीट्यूड जो भी होगा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, और इनटू कितना रखेंगे, q2 चार्ज, q2 को ला रहे हैं यहां पर, तो ये आ जाएगा w2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon r, कितना होगा q2 अपॉन कितना हो जाएगा r12, ये आ जाएगा हमें इट्स इक्वेशन नंबर थर्ड। पुटिंग द वैल्यू, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन एंड द इसकी, सॉरी यहां पर w1 और w2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ w1 एंड w2 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या करेंगे कि W1 और W2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो चलें ट्रेस करते हैं कितना मिलता है मुझे। तो यहां पर देखोगे कि W1 की वैल्यू जीरो आ गई, तो फर्स्ट इक्वेशन है W इक्वल टू कितना W1 प्लस कितना W2, तो इसकी वैल्यू जीरो है, तो यहाँ जीरो प्लस W2 की वैल्यू कितनी है 1 upon 4 pi epsilon r, कितना होगा q1 q2 अपॉन कितना होगा r1। अब यहां पर कितना आ गया w इक्वल टू कितना q1 1 upon 4 pi epsilon कितना होगा q1 q2 अपॉन कितना होगा r12। ये वर्क डन है, और यही वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम राइट कर लेंगे, दिस इज द वर्क डन, क्या राइट करेंगे यहां पर, दिस इज द वर्क डन, वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर सो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर कितना रखेंगे U इक्वल टू, और ये वैल्यू को राइट कर लेते हैं, कितना लिखेंगे 1 upon 4 pi epsilon r, और कितना हो जाएगा यहाँ पर q1 q2 upon कितना होगा r12, और ये एनर्जी है, तो एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो कितने आ जाएगी जूल्स, और यही क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, समझ में आ गया, यस आर नो आंसर दो, इसके बाद फिर हम फिर से, अगर समझ में नहीं आया होगा फिर से बताएंगे, मैं इसको रिपीट कर देता हूं एक बार, समझा देता हूं कि कैसे आपको इसको राइट करना है, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला, पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन ही है, यही वर्क डन ही हमारी क्या है पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब इसकी डिफिनेशन कैसे राइट करेंगे, डिफिनेशन राइट करना है, जो वर्क की डिफिनेशन होती है वही डिफिनेशन इसकी भी होगी, मैंने इसीलिए शुरू में नहीं बताया ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, वर्क की जो डिफिनेशन होती है, वर्क की डिफिनेशन यू नो जानते हो ना, आप सब जानते हो, ठीक है, कि वर्क की डिफिनेशन क्या होती है, यहां पर ये लिख सकते हैं कि चार्ज के द्वारा किसी, मतलब क्या लिखेंगे, किसी टेस्ट चार्ज के थ्रू आप क्या करेंगे, एक सिस्टम का निर्माण करने में जो वर्क डन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये ए और बी मिलकर के सिस्टम बन गए, ठीक है ना, एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बुक भी है, बुक का यूज भी कर लेंगे और इसको आप राइट कर लेंगे, ठीक है। एनी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो, इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद अगला टॉपिक आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, तो चल जल्दी करें, इसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल बताएं हम, पढ़ना है अगर तो, समझ में आ गया सबको,
कोई लाइव ही नहीं है, सिंगल एक प्रियंका बस के अलावा है ना। चलो तो ठीक है, ये चैट टॉपिक हम मिटा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब हम सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, तो देखिए हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। क्या करेंगे आप, सिस्टम ऑफ चार्ज हम क्या करेंगे, अभी तो हमने क्या किया था, किसी एक चार्ज के लिए पर्टिकुलर के लिए पढ़ रहे थे, अब हम सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत इजी है, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है, ग्रुप ऑफ चार्ज हो, एक सिस्टम हो, उसके लिए हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है बी, और थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर सी। इन तीनों के लिए हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है क्यू वन है, यहाँ पर चार्ज क्यू टू, और ये चार्ज कितना है क्यू थ्री, इनकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है वन टू का डिस्टेंस है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आर वन थ्री, और ये हो जाएगा आर टू थ्री, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, दो सारे चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ये। तो अब देखेंगे इनके लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अभी देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड हुआ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना होता है यहाँ पर q1 q2 अपॉन कितना था r12, यानी अगर हमारे पास दो चार्ज थे यहाँ पर q, एक था q1 दूसरा था अनदर टाइप भी q2 था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी r थी, मैग्नीट्यूड आर वन टू लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड बस की डायरेक्शन की इसमें कंपलसरी नहीं है, ये चीजें सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसके लिए भी इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे। तो इसका तो जैसे हमने दिया एक लाइन में हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके लिए एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी q1 और q2 के लिए निकाल लेंगे, तो आपको यही चीज मिलेगी। फिर क्या करेंगे हम एसी के लिए निकालेंगे, तो इसको भी आपको एक अलग भी पॉइंट मिल जाएगा, और फिर बीसी का सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, या सर नो में आंसर देंगे या फिर मैं करके इसको बताऊं कि कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहां पर आर क्या लिखेंगे, q1 एंड q2, हम q1 q2 के लिए या a एंड b के लिए निकालेंगे। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा u1 इक्वल टू कितना मिलेगा, बिल्कुल सिस्टम वही है। सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि यहां पर ये कोई यहां पर इनफाइनाइट है, यहां पर q1 q2 q3 अप टू सो ऑन इन चार्ज रखे हुए, एक चार्ज q1 को उठाकर हम कहां ले जाएंगे, पॉइंट a पर ले जाएंगे, और जैसे यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ तक वर्क करने जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, W1 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक लाने में जीरो हुआ क्योंकि इसके पहले कोई चार्ज ही नहीं थे, सारे चार्ज यहाँ पर मौजूद थे, यहां तक जीरो हुआ। अब हम Q2 को लेकर B पॉइंट तक लाते हैं, जैसे हमने क्या किया Q2 को यहाँ लाने की कोशिश किया, तो ये जो चार्ज पहले से आ चुका है इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है, इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब इसे पोटेंशियल मिल रहा है तो ये पोटेंशियल आपको कितना मिल जाएगा, यहां पर समझेंगे प्रीवियस वाला बहुत सिंपल है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, v इक्वल टू मिला 1/4πε0, कितना मिला q2 को ला रहे हैं, किस पोटेंशियल कौन दे रहा है, q1 दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, q1/4 कितना होगा r, कितना 1/2 हो जाएगा। अब ये तो था लेकिन हमें इसे लाने में ये पोटेंशियल इतना दिया, लेकिन लाने में जो वर्क डन हुआ तो वो W2 होना चाहिए। अब वर्क इक्वल टू कितना होता है, देखेंगे वर्क इक्वल टू कितना होगा, पोटेंशियल इनटू कितना हो जाएगा Q होगा,
यानी हम लोगों ने पढ़ाया पोटेंशियल v इक्वल टू w अपॉन कितना q, तो हमें वर्क डन चाहिए, तो w पर v इनटू कितना होगा q, अब q ना होकर कि q2 हो, तो हम यहां पर क्या रख देंगे, ये आ जाएगा q2 और ये पोटेंशियल v, तो ये वैल्यू रख दिए तो हमें यहां पर ये फार्मूला मिला। सिमिलरली यहां पर इन दोनों के बीच मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा q1 q2 अपॉन कितना होगा r12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये समझ में आ गया सिमिलरली उसी तरह से ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया और यहां पर कितना हुआ q2 into कितना मिला v पोटेंशियल। सिमिलरली इसी तरह से अब आप देखोगे सेम प्रोसेस, ये तो चलो ठीक था, अब ये काम करते हैं Q3 को भी हम ट्वाइस सी पर ले जाते हैं, लेकिन जब Q2 को ले जाएंगे तो इसको दो दो पोटेंशियल मिलेंगे बच्चों, तो जब यहां पर ले जाएंगे तो यहां पर देखेंगे जो भी हमें U2 मिलेगा U2 इक्वल टू कितना मिलेगा, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर कितना मिला Q1 अपॉन कितना हो जाएगा, हम Q को यहां पर कॉमन ले लेते हैं और ये दोनों चार्ज मिल करके इसको क्या करेंगे, यहां पर ये आ जाएगा कितना होगा q1 अपॉन कितना r12 और कितना हो जाएगा यहां पर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा q2 अपॉन कितना r, सॉरी यहां कुछ गलत लिखा क्या, हां ये भी r3 होना चाहिए, तो यहां पर कितना होगा r3, ठीक है ये चीज समझ में आ गई। अब देखेंगे ये चीजें हमें यहां पर मिली, अब इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, ये तो अभी हमारे पास पोटेंशियल है ओनली पोटेंशियल, अब चूंकि हमने Q3 को लाया तो Q3 इसके साथ काम करेगा, तो ये देखेंगे ये कॉमन है ये भी कॉमन है, तो हमें V यहां पर वर्क डन मिलेगा, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर देखेंगे ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा Q1 प्लस q1 अपॉन कितना r12 प्लस q2 अपॉन कितना r13 और फिर इनटू कितना मिलेगा यहां पर q3, तो आपको यहां पर पोटेंशियल कितना मिला u2 इक्वल टू यहां पर देखेंगे ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हुआ q1 q2 के स्थान पर ये आ जाएगा, तो यहां पर होगा ये सब में कॉमन तो q1 अपॉन r12 प्लस q2 अपॉन कितना r13 ये हो जाएगा, सॉरी 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 यहां 2 3 है ना, ये इस पर और ये इंटर करेगा 1 2 नहीं यहां पर 2 3 होना चाहिए, तभी तो कंफ्यूजन लग रहा है 2 3 नेगेटिव, हां तो 2 3 हो गया और यहां पर कितना आ जाएगा ये और इनटू कितना हो जाएगा यहां पर q3, ठीक तो टोटल इसका वर्क डन जो होगा तो आप देखेंगे टोटल पोटेंशियल कितना होगा u इक्वल टू u1 प्लस u2 ऐड करेंगे तो यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या मिले बाहर आ गया और इसके साथ हमें q1 q2 अपॉन कितना मिलेगा q1 q2 अपॉन r12 प्लस यहां पर देखेंगे ये q1 अपॉन कितना आ जाएगा तो q1 अपॉन r23 प्लस कितना हो जाएगा q2 अपॉन r13 इनटू कितना हो जाएगा q3 और ये हमारे पास क्या होगा टू सिस्टम के लिए हो गया, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा ये बहुत डिफरेंट है और अगर समझ में नहीं आएगा तो डिफिकल्ट भी लगेगा, ठीक है एग्जाम में तो बेसिकली ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन ये है कि समझ आना जरूरी है, बन जाएगा क्लियर है चलो, तो ठीक है इनको आप क्या करेंगे ये दोनों सिस्टम के लिए लगाएंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम आप चार्ज के लिए हमने लगा दी और हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए भी पढ़ा। अब देखेंगे अगला जो टॉपिक है हमारे पास तो वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, पहले तो ये चीज समझना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसा मटेरियल्स होता है ऐसे कंडक्टर्स होते हैं ठीक है ना जो करंट को फ्लो नहीं होने देते बट करंट्स के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं,
उसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, या वो सॉलिड उसी को डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। आई बात मेरी समझ में? तो अगला जो टॉपिक होगा हमारे पास, तो पोटेंशियल के बाद यही चीज आता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हम एक चार्ज पार्टिकल पढ़ेंगे जो मोशन कर रहा होगा दो प्लेट्स के बीच, और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होगी, ठीक है ना, ये वगैरह वगैरह भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक मीडिया समझ लेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडिया का समझना क्या है, कि ऐसे कंडक्टर्स जो अपने में से होकर करंट को फ्लो नहीं करते लेकिन करंट्स की उपस्थिति दर्ज कराते हैं, करंट्स के इफेक्ट को शो कराते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहलाता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, मीडियम, डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत माध्यम कहते हैं हिंदी में इसको। माध्यम कैसा होता है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है ये इंसुलेटेड बॉडी होती है, कैसी बॉडी, इंसुलेटेड, ये होती है इंसुलेटेड बॉडी, इंसुलेटेड बॉडी, ये करंट को फ्लो नहीं होते हैं, ठीक है, डज नॉट फ्लो, आप क्या होगा, डजंट फ्लो या डू नॉट फ्लो ऑफ करंट, ये अपने में से करंट को फ्लो नहीं करते हैं, बट यहां पर क्या करते हैं, बट सो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या लिखेंगे, बट shows soon the electrical effect। तो डायरेक्टिव मीडिया समझ में आ गया, ऐसे कंडक्टर जो इंसुलेटेड बॉडी होती है, ऐसे कंडक्टर जो करंट्स को फ्लो नहीं करने देते लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को दर्शाते हैं, डायरेक्टिव मीडियम कहलाते हैं। और ये मीडिया क्या होती है, एक वो ऐसे डायरेक्टिव मीडिया का एग्जांपल बताइए सर, क्या होते हैं, एनीबॉडी, आप भी बता सकते हैं, कोई भी डायरेक्टिव मीडिया का एक दो एग्जांपल क्या होता है। तो डायरेक्टिव मीडिया का एग्जांपल होता है, सबसे पहला क्या है, माइका, माइका, माइका जो होता है अपने में से करंट को नहीं शो करेगा, ठीक है ना, लेकिन ये करंट के रिप्रेजेंट करेगा, करंट को दर्शाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, एबोनाइट, एबोनाइट भी होता है, रबर देखेंगे, रबर तो नहीं होता, प्लास्टिक होती है, तो रबर ना लिखकर प्लास्टिक लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है बच्चों, अब माइका जो है, माइका करंट फ्लो नहीं करेगा लेकिन उसके इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, एबोनाइट भी इसी तरह से, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। ग्लास लेने, कोई ग्लास की बॉडी है, ग्लास, ग्लास जो है ये डायरेक्टली कॉन्स्टेंट है, ये इंसुलेटेड बॉडी है, करंट इसमें नहीं दौड़ेगा लेकिन करंट के इफेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिक मीडियम, ठीक है। माइका हो गया, एबोनाइट हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, प्लास्टिक्स, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरह से ये क्या होते हैं, डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट कहलाते हैं, सॉरी डायरेक्टिक मीडियम कहलाते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टिक मीडिया कैसे होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, डायरेक्टिक मीडिया कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, कितने टाइप, टू टाइप। फर्स्ट क्या होते हैं, पोलर, ओके, क्या होते हैं, पोलर डायरेक्ट्रिक, थ्योरेटिकल है, थ्योरी है, बहुत बढ़िया थ्योरी है, इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ये बुक में रखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये थ्योरी आप पढ़ते पढ़ लेना, ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और इसको राइट भी कर लेना। और सेकेंड जो है वो होती है नॉन पोलर, ठीक है। तो पहला होगा पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम और दूसरा क्या हो गया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पोलर का मतलब ये होता है कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें, देखोगे अब यहां पर पोलर हो गया, पोलर मतलब जिसका पोलराइजेशन होता है, ठीक है। और ये पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्रेजेंस में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जैसे क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल
जिसमें क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और निगेटिवली चार्ज होते हैं, उन दोनों के जो मास होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के कॉन्साइड हो तो वो नॉन पोलर होता है। अगर कॉन्साइड नहीं है, उन दोनों के बीच डाइपोल क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं यहाँ पर, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहलाते हैं, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। अब ये HCl और H2O में क्या फर्क है, HCl में देखे H पॉजिटिव, Cl क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज और ये निगेटिवली चार्ज के जो मास आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना, एंड मास आर निगेटिवली चार्ज डू नॉट कंसाइन टू ईच अदर, ये एक दूसरे पर कंसाइड नहीं होते। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक, सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है, एक दूसरे पर कंसाइड नहीं होते, ठीक है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके पॉजिटिवली चार्ज का मास और निगेटिवली चार्ज का मास एक दूसरे पर कॉन्साइड हो जाए, इनको कितना भी अगर करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर क्या होंगे, एक डाइपोल को क्रिएट ही करेंगे। यानी यहाँ पर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, कभी कॉन्साइड नहीं होंगे। लेकिन नॉन पोलर में क्या होते हैं, इनके जो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज के मास होता है ये दूसरे पर कॉन्साइड हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या होते हैं, कॉन्साइड होते हैं। CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये क्या होंगे, कॉन्साइड होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर देखेंगे नाइट्रोजन के जो भी मॉलिक्यूल्स है यहाँ और यहाँ पर, यहाँ इसके जो आपके क्या होते हैं, इसका जो मास होता है पॉजिटिव चार्ज का और निगेटिव चार्ज का, ये एक दूसरे पर कॉन्साइड होता है। कैसे, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज ये मान लिया जाए कि ये इसका मास हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस गोले से, और निगेटिव चार्ज इसी के अंदर कर देते हैं, ये दूसरे पर कॉन्साइड हो रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, अगर अच्छे से समझना है इसको तो कल के लेक्चर में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो टाइम हो रहा है अभी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बुक से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट डे पहले ही शुरू में ही जब आप गुड आफ्टरनून कहते हैं उसी समय आप ये मेल लिख करके भेजेंगे कि फिर से आप समझाएं, तभी हम समझा पाएंगे, ठीक है। जब आप बोलोगे, ठीक है ना, आप रिस्पॉन्स करोगे, आप लोग कुछ बोलते नहीं है, लाइव रहते नहीं हो, हम अपने आगे बोल लेंगे, पढ़ा लेंगे, आप पता चले आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो ऐसे में मुझे नहीं पता, कम से कम जब आप कमेंट करोगे, आप बताओगे, रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है ना, यार कॉम्प्लीमेंट तो कम से कम देना चाहिए, ठीक है। और जब कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दोगे तो फिर मतलब क्या है पढ़ने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, बहुत गर्मी।